अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोवन फिश करी। यहाँ पर है मेरे पास में 1/2 kg टमेटो, 1/4 cup गार्लिक, यहाँ पर है 1/2 tablespoon होल ज़ीरा, यहाँ पर है 1 tablespoon चिली पाउडर और कुछ इस तरह से 6 green chili ले लेंगे अक्खी, क्योंकि हमको सब बाद में ग्राइंड करना है। 1/4 cup अनियन है, छोटा सा अनियन है ये। 1 teaspoon हल्दी पाउडर है, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर है, 1/2 tablespoon सॉल्ट है, ये मेरे पास में 1/3 cup कोकोनट, 1/2 tablespoon धनिया पाउडर है, यहाँ पर है मेरे पास में 3/4 cup ऑयल, यहाँ पर है मेरे पास में थोड़े से कोकम के पीसेस, और यहाँ पर है मेरे पास में कटी हुई चॉप कोथमीर जो हम लोग ऊपर से गार्निश करेंगे। और फ्रेंड जो भी हमने यूज़ किए ना, ये सारा ये मेजरिंग कप स्पून से मैंने यूज़ की हूँ, जो मैंने पहले वाली रेसिपी के अंदर भी आप लोगों को बताई थी। जो मेरे पास में यहाँ पर है 1/2 cup है, ये 1/2 cup, 1/3, 1/4 cup है, और इसके साथ में जो हमारे पास में है 1/3, 1 टेबल स्पून, 1/2 tablespoon और 1 teaspoon, 1/2 teaspoon होता है, ये सारे स्पून से ही मैंने यूज़ की हूँ सब। तो आप लोग भी ये सारे मेजरिंग कप स्पून यूज़ करिए। चलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल, इसमें ऐड करेंगे अनियन, इसके बाद में जो मैंने टमेटो आप लोगों को पहले बताई थी इसको मैंने पूरा काटी हूँ, इसको मैंने इसलिए काटी हूँ क्योंकि हमको इसको पूरा फ्राई, इसके बाद में ग्रीन चिली, इसके बाद में कोकोनट, इसको हम कम से कम 5 to 7 minutes के लिए गैस पर फुल फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकने देंगे। ये जो कोकोनट है ना फ्रेंड्स, ये नारियल पानी में से जो हम लोगों का मलाई निकलता है ना, नारियल पानी वाला कोकोनट है, तो आप लोग भी ये यूज़ करोगे ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग है ना वो गीला वाला जो कोकोनट आता है, जो अपने को फ्रेश कोकोनट मिलता है ना, वो कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे ये 5 to 7 minutes हो चुके, देखो हमारा जो अनियन है, सॉरी ये जो हमारा सब मसाला है, ये अच्छी तरह से इसमें पक चुका है। तो हम है ना गैस को ऑफ करेंगे और इसको हम लोग मिक्सी में ऐड करेंगे सबको, इस तरह से तेल इसका अलग कर लेंगे। और ये जितना भी है हमारे पास में टमाटर, जो भी इसमें है अनियन और कोकोनट, लहसुन, इसको हम लोग उठा के मिक्सी में ऐड करेंगे। मैं इसको पूरा अभी पकाया भी, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, धनिया पाउडर है हमारे पास में, अक्खा ज़ीरा है, गरम मसाला है, यहाँ पर है चिली पाउडर। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी, 1/4 cup, 1/4 cup पानी ऐड करके मैं इसको अच्छा बारीक फाइन पीसूंगी। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये राइस थोड़ा सा करी लीव्स है जो मेरे झाड़ के ही है, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये यहाँ पर 1 teaspoon राई है जो मैं आप लोगों को बताने भूल गई थी, हम लोग तड़के के लिए लेंगे, तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ सेम ऑयल के अंदर, जो ऑयल से हमने टमाटर और कांदा वगैरह जो निकाले थे ना उसी में मैंने ऐड की हूँ। तो यहाँ पर हम इसको तड़का देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अभी पीस के रेडी है। ये मैंने सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताई थी पहले, वो मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड की हूँ, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसके बाद में इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ अभी 2.5 cup वाटर, ये मसाले का ही मेरा वॉश किया हुआ है डब्बे को, मैंने मिक्सी को, मिक्सी में ही मैंने पानी डाल के 3 cup पानी से इसको पूरा क्लीन की हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए ज़्यादा पानी तो आप लोग इसमें 3.5 cup 3.5 cup वाटर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। इसको ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पकाएंगे जब एक बॉईल आएगा ना, तो सिर्फ 5 मिनट्स तक के इसमें बॉईल लेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो टमेटो था
अनियन था, गार्लिक और चिली, सब कुछ हमने तेल में फ्राई कर लिए थे। ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से कुक हो गया था। सिर्फ हमको ग्रेवी के लिए एक बॉयल लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ़िश। फ़िश इसमें आप लोग 8 to 10 पीस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारे घर में फ़िश फ्राई ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ग्रेवी में ना टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं इसमें 8 to 10 फ़िश को ऐड करती हूँ। और मैं फ़िश की जो मुंडी है ना वो भी मैं डाल देती हूँ ग्रेवी में, उसका टेस्ट अच्छा आता है। हाँ तो गाइस देखो हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। ये 5 मिनट सिर्फ फ़िश डालने के बाद में हम बॉईल लेंगे, नहीं तो हमारी फ़िश जो है ना वो टूट जाएगी। और जो हमने लेके रखे थे कोकम, ये हम लोग लास्ट में अभी ऐड करेंगे। हमारी फ़िश करी बन के रेडी हो गई है। ये गोवा की फ़िश करी फेमस है। इसमें इस पर मैं कोथमीर अब ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी, जो हमने पहले 1/3 कप कटिंग करके रखे थे। फ्रेंड्स बन के रेडी हो गया है हमारा। अब मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।